नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और लगभग बहुत सारी महिलाओं में ये चीज़ें होती है, उनके पास ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं शर्म की वजह से किसी को नहीं बता पाती है, शेयर नहीं कर पाती है, या फिर बहुत सारी महिलाओं को ये बिल्कुल नॉर्मल लगता है, बिल्कुल कॉमन लगता है, लेकिन अगर ये हो जाता है और इसकी गंभीरता, इसकी सीवियरिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर बॉडी में प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है ल्यूकोरिया। क्या पढ़ेंगे हम? ल्यूकोरिया। फटाफट आप कॉपी और पेन निकाले और फटाफट से लिखे, स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखना है। ल्यूकोरिया की स्पेलिंग क्या होगी? एल ई यू के ओ, उसके बाद क्या है? डबल आर एच ई ए, या फिर इसकी स्पेलिंग ये भी हो सकती है एल ई यू सी ओ, के जगह पे क्या हो सकता है? के की जगह पे सी भी हो सकता है। ठीक है, तो एल ई यू सी ओ डबल आर एच ई ए, चलिए तो दोनों हो जाता है, दोनों की स्पेलिंग लगभग लगभग सेम है, सिर्फ यहाँ पे के और सी में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन दोनों स्पेलिंग बिल्कुल सही होगी। तो ल्यूकोरिया को हम आज अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे। हिंदी में हम इसको ल्यूकोरिया भी बोलते हैं। अब आज के लेक्चर में हम मेन क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख ले, कुछ बिंदुओं को देख ले जिसको हम डिस्कस करेंगे। पहला क्या है? पहला है कारण, अगर ये हो जाता है तो कैसे होता है, जैसे कि हम हमेशा देखते हैं। ठीक है, दूसरा हम क्या देखेंगे? दूसरा हम देखेंगे कि इसके लक्षण किस तरह से आते हैं, और अगर ये होते हैं तो लक्षण जब आएंगे तो हम समझेंगे कैसे। तो इसको हम किस में लिखते हैं? सिम्टम्स, या फिर आप क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, सिम्टम्स। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? जब हमने लक्षण को देख लिया, जब हमने कारण को देख लिया, तो हम क्या देखेंगे? तो इसके बाद हम देख लेते हैं इसके टाइप्स को, कि इसकी कितनी प्रकार होती है। टाइप्स मतलब, अगर समझिए कि ल्यूकोरिया का मतलब क्या होता है, सफ़ेद पानी का आना, योनि से सफ़ेद पानी आता है, तो क्यों आता है ये हमने देख लिया, लक्षण क्या होते हैं ये हम देखेंगे, और इसके प्रकार क्या होते हैं ये भी हम देखेंगे। तो प्रकार के बाद हमें क्या देखना है? प्रकार के बाद अगर ये चीज़ें प्रेगनेंसी में भी होती है तो किस तरह से होती है, और हम इसका बचाव किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम यहाँ पर लिख देते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, इसके बाद हम क्या लिख देते हैं? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बाद हम लिख देते हैं डायग्नोसिस, मतलब कंफर्म कैसे करेंगे किसी महिला को ल्यूकोरिया है या फिर नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे डायग्नोसिस में। ठीक है, चलिए डायग्नोसिस, डायग्नोसिस। चलिए अब डायग्नोसिस के बाद अगर ये हो जाता है तो महिला का इलाज कैसे करेंगे। ठीक है, आपके पास महिला आती है तो आप इलाज कैसे करोगे, या फिर उसको आप क्या क्या बताओगे जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए, ये प्रॉब्लम फिर से दोबारा उसको नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है, तो चलिए अब इसको सबसे पहले हम कर देते हैं बक्से में बंद, इसको हमने यूं कर दिया, आपको भी बनाने हैं, और आपको एग्जाम टाइम भी लगभग इसी टाइप का बना करके पहले पॉइंट लिखना है और फिर उसको एक्सप्लेन करना है, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले, ऐसे कॉपी थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इन 1 2 3 4 5 6 छह बिंदुओं को बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ल्यूकोरिया क्या होती है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं सफ़ेद पानी का आना। अब सफ़ेद पानी कहाँ से आएगा? मुँह से आएगा, आँख से आएगा? नहीं, सफ़ेद पानी का आना मतलब योनि से सफ़ेद पानी का आना, और अगर मैं ऐसे बोलूँ तो वेजाइना से। वेजाइना कहाँ पे होती है? जहाँ पे हम सेक्स करते हैं। ठीक है, तो वेजाइना से सफ़ेद पानी का आना क्या होता है? सफ़ेद पानी का आना ल्यूकोरिया होता है, लेकिन वेजाइना से सफ़ेद पानी नॉर्मल दिनों में भी आता है, और जब आपको इन्फेक्शन हो जाती है तब भी आता है। तो इन दोनों में फ़र्क है, पानी सेम है, कलर सेम है, लेकिन जब इन्फेक्शन होती है तो वो थोड़ी सी पीली, या फिर थोड़ी सी लाल, या फिर थोड़ी सी नीली, या फिर हल्का स्काई कलर का, स्काई ब्लू कलर का होने लगता है। तो उस टाइम में हम समझते हैं कि अच्छा, ये वाली जो है वो इन्फेक्शन वाली है, लेकिन अगर नॉर्मल आती है वाइट तो हम क्या बोलते हैं? तो हम बोलते हैं कि वो नॉर्मल भी है। कभी कभार देखा गया है कि बच्चों में भी होती है, तो इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। लेकिन अभी देखिए, अभी क्या होगा, अगर एक लाइन में हम बोले तो ल्यूकोरिया का मतलब क्या होता है कि योनि से सफ़ेद पानी का आना, मतलब वजाइना से वाइट डिस्चार्ज का निकलना, वाइटिश डिस्चार्ज होना। तो क्या हो गया यहाँ पे? वाइट डिस्चार्ज, वाइट डिस्चार्ज इक्वल टू ल्यूकोरिया, ये समझ गए नॉर्मल एक लाइन में। चलिए अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अगर ये हो जाती है तो क्यों होती है? अगर ये होती है तो नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली में जब एक
जब एक लड़की होती है, जब वो बड़ी हो रही होती है, मतलब प्यूबर्टी की तरफ जा रही होती है, किसके तरफ? प्यूबर्टी की तरफ, मतलब अपनी युवावस्था की तरफ, तो उस टाइम में उसके बॉडी में शारीरिक बदलाव आते हैं। तो जब वो बदलाव आते हैं तो उस टाइम में भी सफ़ेद पानी आने लगती है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि उस सफ़ेद पानी से अगर स्मेल नहीं आ रहा है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन जब स्मेल आने लगता है, उससे थोड़ी सी बदबू आने लगती है, तो फिर वो खराब होती है, मतलब वहाँ पर इन्फेक्शन है, तब ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो जब एक लड़की प्यूबर्टी की तरफ जाती है तो पहला कारण वो है जिसमें उसको सफ़ेद पानी आते हैं, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। जब हार्मोनल डिसबैलेंस होता है उस टाइम में अगर सफ़ेद पानी आती है तब बिल्कुल नॉर्मल है। तो हार्मोन का डिस्टर्बेंस कब होता है? जब एक महिला को पीरियड्स होने वाला होता है तो स्टार्टिंग में, जैसे कि समझिए कि अगर पीरियड्स आने वाले हैं, तो अगर कल आने वाले हैं तो आज से 2-3 दिन पहले, ठीक है, सफ़ेद पानी आने लगेगा। या फिर किसी किसी महिला को ये भी होता है कि पीरियड्स ख़त्म हो गए हैं और उसके 2-3 दिन तक सफ़ेद पानी आता है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि उसके बॉडी में हार्मोन की इम्बैलेंसेज हो रही है, हार्मोन है वो चेंज हो रहा है पीरियड्स के कारण, जिसकी वजह से होने लगता है, ठीक है। तो ये सभी चीजें होती है, तो ये नॉर्मल है बिल्कुल। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा अगर वो प्रेग्नेंट है, अगर तब आता है तब भी बिल्कुल नॉर्मल है, प्रेग्नेंट है, और अगर शुरुआती के हफ्तों में आता है, जैसे 1-2 महीने हो गए हैं तब आता है, तब बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन बाद में आता है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। इसके अलावा हम क्या देख सकते हैं? तो यहां पर मैं लिख दूं, ड्यूरिंग हार्मोनल चेंज की वजह से हो सकता है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? प्रेगनेंसी के टाइम में हो सकता है, प्रेगनेंसी, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा आपको मैंने बताया कि जब प्यूबर्टी का समय होता है तब होता है, तब ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। इसके अलावा कब होती है नॉर्मली? जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट होती है। सेक्सुअल एक्साइटमेंट मतलब सेक्स करने से पहले की जो एक्साइटमेंट होती है, तब अगर आता है तब वो भी बिल्कुल नॉर्मल होता है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट। अब इस टाइम में क्यों आता है? इस टाइम में इसीलिए आता है ताकि जो वजाइना है, वहाँ की जो सरफेस है, वहाँ की जो सतह है, वो थोड़ी सी चिकनी हो, ताकि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल इंटरकोर्स की प्रोसेस को हम बोलते हैं, एक वर्ड में अगर हम बोले तो हम इसको कोइटस बोलते हैं, ठीक है। तो आप कोइटस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब सेक्स करने से पहले की जो एक्साइटमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोइटस, और उस टाइम में भी वाइटस डिस्चार्ज निकलने लगता है, उसको बिल्कुल हम नॉर्मल समझते हैं, तो इस टाइम में हम बिल्कुल नॉर्मल समझेंगे, ठीक है। अब गड़बड़ी कहाँ पे होती है? जब इन्फेक्शन हो जाती है, इन्फेक्शन अगर बैक्टीरिया की वजह से हो, ठीक है, तब फिर वो हार्म पहुँचाती है। तो अगर इन्फेक्शन हो जाता है तब भी आता है वाइटिश डिस्चार्ज, तो इन्फेक्शन किसकी वजह से हो सकता है? बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, ठीक है, इन्फेक्शन बैक्टीरिया या फिर ईस्ट की वजह से हो सकता है। और जब इन्फेक्शन ईस्ट की वजह से होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं कैंडिडियासिस, क्योंकि ये बैक्टीरियल नहीं सॉरी ये ईस्ट का इन्फेक्शन होता है, जो कि आपके वजाइना में हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस वाले डिजीज को कैंडिडियासिस। जब ईस्ट की वजह से इन्फेक्शन वजाइना में हो जाता है तब क्या बोलते हैं? कैंडिडियासिस। और एक होता है बैक्टीरिया की वजह से। अब बैक्टीरिया आ कैसे जाती है वहां पे? हो सकता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो उस महिला को। अब ये क्या होती है? तो उसमें दो डिजीज मैंने आपको पढ़ाई है, गोनोरिया और क्लेमाइडिया, तो उन दोनों के लेक्चर अवेलेबल है, तो आप जा करके उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो अगर ईस्ट की वजह से हो जाए तो हम क्या बोलेंगे? कैंडिडियासिस। और उसके अलावा बैक्टीरिया की वजह से भी इन्फेक्शन होते हैं, जिसकी वजह से ये जो व्हाइट कलर का डिस्चार्ज है वो हल्का सा येलो हो जाता है, वो हल्का सा येलो हो जाता है, और जब वो येलो होता है या फिर हल्का ब्लू होता है तब हमें समझना चाहिए कि हमें वहां पे इन्फेक्शन है और प्रॉब्लम है, ठीक है। लक्षण पे भी हम आएंगे, तो इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है। या फिर कभी कभी आपको अगर चोट लग जाए, मतलब इंजरी, अगर उस वाले पार्ट में इंजरी हो जाए, चोट लग जाए, उस टाइम में भी वाइटस डिस्चार्ज आने लगता है, तो ये सभी क्या है? ये सभी कारण होते हैं जिसकी वजह से आने लगते हैं वाइटस डिस्चार्ज। अब क्या होता है, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं। अगर कोई महिला बहुत ज़्यादा उपवास रखती है तो उनमें भी ये लिकोरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, एक्सेस वाइटस डिस्चार्ज बॉडी से आने लगती है, विजाइना से आने लगती है। इसके अलावा अगर
अगर कोई बहुत ज़्यादा भूखी रहती है तब उपवास, मतलब भूखा रहना, तो अगर कोई बहुत भूखी रहेगी या फिर उपवास करेगी तो दोनों सेम चीज़ है। तो दोनों में ये प्रॉब्लम होती है, बहुत मसालेदार खाना खाने की वजह से ये हो जाता है। बहुत ज़्यादा अगर आप काम करते हैं, थकाने वाला काम करते हैं, फिजिकल जो वर्क होता है, अगर वो महिलाएँ बहुत ज़्यादा करती है तो उनमें भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा आप जब इंट्रायूटराइन डिवाइस का यूज़ करते हैं, वो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, अगर आप खाते हैं, या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का अगर आप यूज़ करते हैं, जैसे कि कॉपर टी हो गया, जिससे क्या होता है, जिससे बच्चा ना हो, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंट्रायूटेराइन डिवाइस। तो इसमें क्या आ गया, इसमें आपका आ गया कॉपर टी, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, कॉपर टी आता है, ठीक है, जो कि वजाइना में इंसर्ट किया जाता है ताकि वो माँ ना बन सके कुछ समय के लिए, ठीक है। तो अगर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है तो उसकी वजह से भी कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा ही वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से वाइटिश डिस्चार्ज आने लगती है। तो ये सभी कारण होते हैं। साथ ही क्या हो जाता है, साथ ही अगर आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, मतलब क्या, मतलब ऐसी बीमारी जो कि सेक्स करने से फैलती है, ऐसी बैक्टीरिया जो कि आपके बॉडी में आ गई है और वहां के स्किन को इरिटेट कर रही है, ठीक है, मतलब समझिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के कारण भी ज्यादा वाइटिस डिस्चार्ज निकलने लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उस महिला को ल्यूकोरिया हो गया है। तो ये सभी कारण है। साथ ही जिस महिला को डायबिटीज़ होती है उस महिला को भी लिकोड़ा की प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा वाइटिस डिस्चार्ज आने लगती है। जो महिला बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स खाती है दवाई में, एंटीबायोटिक्स लगभग हर बीमारी में देते हैं, तो अगर आपके दवाइयों में एंटीबायोटिक्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो उस टाइम में भी प्रॉब्लम हो जाती है बहुत सारी महिलाओं को ल्यूकोरिया की। तो ये सभी क्या है, ये सभी कारण है जिसकी वजह से महिलाओं में ये प्रॉब्लम होती है और वाइटिस डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, जिसको हम बोलते हैं सफ़ेद पानी का आना, या फिर हम इसको ल्यूकोरिया भी बोल सकते हैं। तो इस तरह हमने सारे कारण देख लिए हैं जिसकी वजह से ल्यूकोरिया हो जाती है। तो ल्यूकोरिया में आपको क्या करना है, आपने कारण देख लिया है, अब आपको सीख क्या लेना है कि आपको मसाला वाला खाना नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है, पहला तो ये कि आपको ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, और दूसरा आपके फेस पे पिंपल हो सकता है, फेस की जो रौनक होती है वो कम हो जाती है। अगर ल्यूकोरिया बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए, मतलब अगर वाइट कलर का बहुत ज़्यादा निकलने लगे आपके वजाइना से, तो जो उम्र है वो बहुत जल्दी जल्दी दिखने लगता है, मतलब आपकी एज कम रहेगी लेकिन फेस पे लगेगा देखने से कि बहुत ज़्यादा एज की है। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, स्पेशली लड़कियों के लिए। तो बिल्कुल आपको इस चीज़ को इग्नोर करना है, मसाला वाला खाना ज़्यादा नहीं खाना, ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खानी है। इसके अलावा आपको हेल्दी डाइट खाना है, कोशिश करें कि आप भिंडी खाएं, क्योंकि भिंडी इसमें बहुत कारगर होता है और ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। साथ ही आप दही भी खा सकते हो, केला भी शामिल कर सकते हो, अगर आप इसको खाओगे तो ये वाली प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है। तो हमने कारण देख लिया, अब हम देखेंगे लक्षण। लक्षण को हम क्या बोलते हैं मेडिकल टर्म में, लक्षण को हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं सिम्टम्स, या फिर हम इसको बोलते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है। तो हम को भी देखेंगे, तो क्लिनिकल यहां पे मैं लिख दूं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, क्या बोलते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो आप कोशिश करें कि सिम्टम्स ना लिखे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस लिखे। अब क्यों लिखे, मैं सिम्टम्स क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको लिखने हैं, अगर आप एग्जाम देते हैं तो, चाहे आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, ANM, GNM, BSc नर्सिंग, या फिर आप MBBS, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ही आपको लिखना है, आपके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, जब तक आपके एग्जाम्स होते हैं तब तक, ठीक है। उसके बाद जब गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं तो उस टाइम में तो आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो उस टाइम में आपको ये सभी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी आपको टॉपिक आएंगे कि इस डिजीज़ को आप एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको बहुत अच्छे से लिखना है, वर्ड्स की जो चयन होते हैं वो बहुत अच्छे से करने हैं, ताकि आप अच्छे से अपने कॉपी को थोड़ा सा आप सजा सकें और एग्जामिनर को दिखने में भी अच्छा लगे कि हाँ भाई इसको आता है और इसने बहुत अच्छे से लिखा है, कॉपी को बहुत अच्छे से डेकोरेट करके लिखा है। तो इस तरह आप लिख सकते हैं। तो लक्षण में हम क्या देखते हैं, लक्षण क्या आता है, सबसे पहले आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, लक्षण क्या आ सकते हैं, मतलब प्रॉब्लम कहाँ है, वजाइना में प्रॉब्लम है, ठीक है। पहला प्रॉब्लम, वहाँ से क्या निकला, व्हाइट कलर का डिस्चार्ज, इसका मतलब क्या है, वो एरिया ऑलरेडी गीला रहता है, अगर नॉर्मल भी निकलता है तो व्हाइट कलर के डिस्चार्ज के निकलने से वो एरिया और ज़्यादा गीला रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पे हो सकता है इन्फेक्शन। तो जब इन्फेक्शन हो सकता है तो इन्फेक्शन होने से पहले क्या होता है, खुजली होती है, तो लक्षण क्या होंगे, इरिटेशन,
थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है, इरिटेशन, ठीक है, इरिटेशन, या फिर आप इसको ईचिंग भी बोल सकते हो, ITCHING। कभी कभी लगता है स्पेलिंग हम ही गलत लिख रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा आपको मेंटेन करके चलना है। तो इरिटेशन या फिर इचिंग, अब हमने समझ लिया कि व्हाइट कलर का वहां पे निकला तो इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। जब इन्फेक्शन होगी तो ये जो व्हाइट कलर का है वो हल्का सा पीला कलर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये जो व्हाइट कलर का डिस्चार्ज निकलता है, सफेद पानी जब निकलता है तो आपके अंडरगार्मेंट्स में वो हल्के से येलो कलर के आपको दिख सकते हैं, ठीक है। तो उसको आपको क्या लिखना है, पहला तो ये कि इरिटेशन, देखिए जब भी हल्का सा येलो या फिर हल्का गाढ़ा येलो, मतलब लगभग येलो के समान, ठीक है, हल्का पीला के समान जब भी आपका व्हाइट कलर का निकलने लगे तो आप समझिएगा कि हो सकता है कि मुझे इन्फेक्शन है वहाँ पे, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो इन्फेक्शन होने से पहले आपको वहाँ पे थोड़ी सी खुजली होती है, साथ ही वहाँ की जो स्किन है वो थोड़ी सी इरिटेट हो जाती है। जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई मेरा मूड इरिटेट कर दिया, बहुत ज़्यादा कोई इरिटेशन चीज़ आपने देख ली। जब आप पीरियड्स में होते तो आपके मूड बहुत स्विंग करते हैं, कोई भी कुछ बोल देता है तो तुरंत गुस्सा आता है। क्यों आता है? क्योंकि ऑलरेडी हमारे बॉडी में हार्मोन की इम्बैलेंसेज है। अभी क्या और ये हार्मोन उथल पुथल हो रहा है बॉडी में, इस तरह घुमावदार चक्कर लगा रहा है, और उसमें कोई आकर के मिर्ची लगाने वाला बात जब बोल देता है तो बहुत तेज गुस्सा आता है, ठीक है। तो लड़के अक्सर लड़कियों को इस टाइम में बिल्कुल भी ना परेशान करे और ना ही कोई ऐसी बात बोले जिससे उनको मिर्ची लगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो पहला हमने देखा इरिटेशन। अब जब खुजली होगी तो क्या करेंगे आप, डिस्कम्फर्टेबल, यानी कि डिस्कम्फर्ट हो जाएगा, अनकम्फर्टेबल आप फील करेंगे। तो हम क्या बोलते हैं, या पहला तो ये, दूसरा तो यह कि डिस्कम्फर्ट, जब वहाँ का पार्ट बहुत ज़्यादा गीला होता है, इसका मतलब क्या है कि अंडर गारमेंट्स भी गीले होंगे ना। जब अंडर गारमेंट्स जब गीले होंगे तो आप क्या करेंगे, आप अनकम्फर्टेबल फील करेंगे। क्या आप कम्फर्टेबल फील करेंगे? बिल्कुल भी नहीं फील करेंगे। तो हम क्या बोलते हैं, डिस्कम्फर्ट या फिर अनकम्फर्टेबल फील करेंगे आप। तो लक्षण ये हो सकते हैं। अब लक्षण क्या होते हैं, जो हम फील करते हैं वो लक्षण होते हैं, जो हमें फील होता है किसी डिजीज से उसको हम बोलते हैं लक्षण। तो दोनों चीज़ों को तो हमने देख लिया। उसके बाद क्या है, सर में भी दर्द होने लगता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेडेक। अब आपको हेडेक भी हो रहा है, क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी अनकंफर्टेबल फील कर रही हैं इस वजह से। चलिए, अब सर में दर्द होने लगा। जब सर में दर्द होने लगा तो कभी कभार ऐसा देखा गया है कि ल्यूकोरिया की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, मतलब कब्ज की समस्या महिलाओं में रहने लगती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। चलिए, कब्ज की समस्या होगी, साथ ही क्या हो सकता है कॉन्स्टिपेशन के बाद क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन के बाद आपको कमर के पास दर्द महसूस होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेन इन लोअर बैक, पेन इन लोअर बैक, लोअर बैक, कमर के पास क्या हो रहा है, कमर के पास दर्द महसूस हो रहा है। अब दर्द महसूस तो होगा ना, क्योंकि वहां से वाइट कलर का डिस्चार्ज निकल रहा है। आप समझ रहे हो कि जब वहां से जब डिस्चार्ज निकल, इसका मतलब क्या है, वो जो एरिया है वो बहुत ज्यादा ही थोड़ा सा इरिटेट हो रही है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। अब देखिए, जब भी कमर के पास डिस्चार्ज निकलता है तो महिलाओं को अगर ज़्यादा डिस्चार्ज निकलने लगे, ज़्यादा अगर वाइट कलर का निकलने लगे, नॉर्मली भी निकलने लगे या फिर इन्फेक्शन वाला भी निकले, ठीक है, नॉर्मली कैसा निकलेगा, वाइट निकलेगा, कभी कभी थोड़ा सा गाढ़ा हो सकता है वो। अब नॉर्मल क्या होता है कि आप जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट जब होती है ना, जब आप किसी लड़के से बात करते हैं तो एक महिला में हो जाती है, उस टाइम में उनको थोड़ा सा अच्छा लगता है, और जब अच्छा लगता है तो जब वैसी फीलिंग होती है, जब वैसी वैसी बातें करते हैं तो उस टाइम में क्या होता है कि वाइट कलर का निकलने लगता है, ठीक है। तो जब उस टाइम में भी निकले तो वो भी एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन जब अगर ज़्यादा निकलने लगे, जिससे आपको क्या हो सकती है, उससे आपको वीकनेस हो सकती है, ठीक है, उससे आपको क्या हो सकती है, उससे आपको वीकनेस हो सकती है। इसीलिए बोला गया है कि पहले पढ़ाई पर ध्यान दे दो, उसके बाद ये सभी चीज़ें कर लेना, ठीक है। देखिए, तो वीकनेस होगी और साथ ही क्या होगी, इसके अलावा क्या हो सकती है, इसके अलावा वीकनेस के बाद आपको क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग करेगा, मूड स्विंग, ठीक है, तुरंत में गुस्सा आएगा, तुरंत में अच्छा लगेगा, मतलब क्या हो रहा है, आप अनकंफर्टेबल है ऑलरेडी, कोई काम को ध्यान से नहीं कर पा रहे, कॉन्सेंट्रेट होकर के नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो जो पार्ट है जिसके कारण आपका जो मूड है वो स्विंग हो रहा है, वो भी इरिटेट हो रहा है और आप भी इरिटेट हो रही हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो अंडर गारमेंट्स है वो गीला हो गया है। अब गीला क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्सेस डिस्चार्ज हो रही है वाइट कलर के पदार्थ की, वाइट कलर के सब्सटांसेस की, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं ल्यूकोरिया, या फिर हिंदी में लिकोरिया, या फिर सफ़ेद पानी का आना हम बोलते हैं। तो ये
सभी चीजें, ये सभी लक्षण आप देख सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज है कि न्यू बॉर्न बेबी में देखा गया है जो लड़कियां होती है जन्म जब लेती है तो जो पहला हफ्ता होता है, मानिए कि अगर एक बच्ची है और वो आज जन्म ली है, ठीक है, जब वो आज जन्म ली है तो पहले हफ्ते में उसके वजाइना से, उसके योनि से व्हाइट कलर का निकलता है, लेकिन उस बच्चे को कोई भी इंफेक्शन नहीं है और ना ही वो व्हाइट कलर में बदबू है। जब तक बदबू नहीं है तब तक इंफेक्शन नहीं है, जब तक वो येलो नहीं है, जब तक वो पीला नहीं है तब तक इंफेक्शन नहीं है, ठीक है, ये हमें समझना है। तो जब न्यू बॉर्न बेबी में व्हाइट कलर का निकलता है डिस्चार्ज, तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि जो माँ होती है उसके बॉडी में क्या है, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन की वजह से उस बच्चे का जन्म हुआ है और उस टाइम में हार्मोन की इंबैलेंसेस उसके बॉडी में होती है जिसके कारण उस बच्चे में आने लगता है व्हाइट कलर का डिस्चार्ज। तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं, क्योंकि हो सकता है कि आपके जो बच्चा हो, जो आपका बच्चा हो, उसके पहले हफ्ते में जब उसने जन्म ली है अभी, तो पहले हफ्ते में उसके योनि से व्हाइट कलर का निकले, लेकिन उससे स्मेल नहीं आना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी स्मेल आती है इसका मतलब है वहां पे इन्फेक्शन है, ठीक है। और ये चीज लड़कियों में भी अप्लाई होती है, अगर थोड़ा सा भी आपको उसमें स्मेल दिखता है तो हो सकता है कि वो इन्फेक्शन हो, लेकिन उसमें स्मेल बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा प्रेगनेंसी के टाइम में भी होती है, पहले हफ्ते में होती है जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है। तो लक्षण में आप ये सभी देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा कमर के पास दर्द हो सकता है, जिसको मैंने बोला पेन इन लोअर बैक, ठीक है। अगर ज्यादा व्हाइट कलर का निकलने लगता है तो इन्फेक्शन के चांसेस तो होते ही, क्योंकि वो वाला पार्ट जो है वो अक्सर गीला रहता है और उस टाइम में बैक्टीरिया के अटैक करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो लक्षण हमने देख लिए, अब जिनको भी ये लक्षण को स्क्रीनशॉट करना है आप स्क्रीनशॉट कर ले फटाफट से कर ले, और जिनको नोट करना है वो नोट कर ले फटाफट से आप कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद कर रही हूँ कि आपने कर लिया होगा स्क्रीनशॉट और आपने नोट भी कर लिया होगा, और नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। अगर हम इसके टाइप्स को देखें तो टाइप्स मेनली दो टाइप का होता है, दो प्रकार होते हैं इसके, जो लिकोरिया है उसके दो प्रकार होते हैं। चूँकि यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं साइड में बना देती हूँ, ठीक है। चलिए, इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको समझाऊँगी। समझ में आ रहा है आप सभी को, आ रहा होगा, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि सभी को आ रहा होगा। कोई भी प्रॉब्लम होता है आप कमेंट्स कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, सबसे अच्छी बात आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके उस पर आप डाउट्स पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं, मैं हमेशा आप सभी के डाउट्स का आंसर देती हूँ। तो प्रकार कितने होते हैं लिकोरिया के, ठीक है। तो प्रकार में सबसे पहले प्रकार को हम देखते हैं फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल। अभी मैं समझाऊंगी कि ये दोनों चीज़ें क्या है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया पैथोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल। चलिए, फिजियोलॉजिकल दूसरा क्या हो गया, पैथोलॉजिकल। अब ये फिजियोलॉजिकल क्या है, देखिए सबसे पहले हम अगर कोई भी मेडिकल कोर्स करते हैं और जब हम एंटर करते हैं उस कोर्स में तो हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के सब्जेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी, इसके अलावा साइकोलॉजी जिसमें ब्रेन के बारे में पढ़ना होता है, इसके अलावा हम क्या पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री, मतलब बॉडी में चीज़ें हो रही है, खाना पच रहा है लेकिन केमिकल रिएक्शंस क्या क्या होते हैं उसको हम पढ़ते हैं। साथ ही हम न्यूट्रिशन एक सब्जेक्ट होता है जिसमें हम शरीर में किस पोषक तत्व की वजह से क्या क्या चीज़ें हो जाती है हम उसको पढ़ते हैं। तो न्यूट्रिशन हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, माइक्रोबायोलॉजी मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, सभी चीज़ें बॉडी पे अटैक कैसे करती है, बॉडी पे काम कैसे करती है और बॉडी को संक्रमित कैसे करती है, इसके बारे में भी पढ़ते हैं। साथ में हम इंग्लिश भी पढ़ते हैं, साथ में हम कंप्यूटर भी पढ़ते हैं। फर्स्ट ईयर की मैं बात कर रही हूँ, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की बात कर रही हूँ, और ये सभी सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं। और सबसे मेन, सबसे मोटा मोटा बुक कौन सा होता है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। तो उस बुक का मतलब क्या है, इस सब्जेक्ट का मतलब क्या है, हर कोर्स में आप कोई भी कोर्स करें, पैरामेडिकल कोर्स करें, एमबीबीएस करें, आप जीएनएम कर लीजिए, एएनएम कर लीजिए, कोई भी कोर्स आप कर लीजिए, सब में एक सब्जेक्ट कॉमन है, फिजियोथेरेपी आप कर लीजिए, इसमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के सब्जेक्ट्स होते ही होते हैं। अब ये क्या है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का मतलब होता है, एनाटॉमी मतलब शरीर का जो स्ट्रक्चर है, शरीर का जो बनावट है, हड्डियाँ कैसे आपस में जुड़ी हुई है और वो किस तरह से बॉडी को बनाती है। अगर ये कान है तो ये कैसे बना हुआ है, किन किन लेयर से बना हुआ है, कौन से परत है, उस परत का नाम क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, एनाटॉमी, ठीक है। और फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, बॉडी में कोई भी काम हो रहा है, मतलब हम सुनते हैं तो कैसे सुनते हैं, इसकी कार्य प्रणाली क्या है, इसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। अगर पाचन होती है तो कैसे होती है, इसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। अब एनाटॉमी किसको बोलते हैं, एनाटॉमी हम बोलते हैं
समझिए जैसे कि आपका पेट है, तो पेट किस लेयर से बना हुआ है, पेट में कितने पार्ट है, पेट किस किस भागों में बटा हुआ है, कौन सा भाग कहाँ पे है, इसको हम क्या बोलेंगे, एनाटॉमी। और फिजियोलॉजी हम किसको बोलेंगे, अगर पेट है तो उसका काम क्या है, मतलब खाना पचाना, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब एसिड जो कि खाना को पचाती है। और बायोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री में खाना बनता है तो ऊर्जा निकलती है, तो वो ऊर्जा कैसे निकलती है, केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, तो उसको हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में। अब माइक्रोबायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में मतलब बाहर से जो बैक्टीरिया आई वो बॉडी पर कैसे अटैक की, किस तरह से बॉडी संक्रमित हुआ, किस तरह से बॉडी का बचाव कर सकते हैं, वैक्सीन क्या क्या होती है, तो इसको हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन में पोषक तत्व क्या होते हैं, पोषक तत्व की कमी क्या होती है, कौन कौन सी चीजों से हमारा बॉडी बहुत स्वस्थ रह सकता है, ऐसी क्या चीजें हैं जिसकी कमी होने की वजह से हम बिल्कुल ही बीमार पड़ जाते हैं, या फिर थोड़े बीमार, या फिर कभी कभी बॉडी में अपंगता जैसी जो लक्षण होते हैं वो आने लगता है, या फिर हम अपंग हो जाते हैं, तो न्यूट्रिशन में हम वो सभी चीज़ों को पढ़ते हैं। तो मेन हम क्या बात कर रहे हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, मतलब फिजियोलॉजी में उसके कार्य को और एनाटॉमी में उसके स्ट्रक्चर को, उसकी बनावट को हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि लिकोरिया के दो प्रकार होते हैं, पहला फिजियोलॉजी और दूसरा पैथोलॉजिकल, ठीक है, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। तो फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या है, बॉडी में जो काम हो रहे हैं, जो नॉर्मल काम है, उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल, क्योंकि ये शब्द जो है वो फिजियोलॉजी से आया है, इसीलिए मैंने आपको इतने डिटेल में बताया है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल में क्या है, मतलब क्या, बॉडी से व्हाइट कलर का डिस्चार्ज निकल तो रहा है, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब समझिए बिल्कुल नॉर्मल है, कोई भी कहीं भी दिक्कत नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजिकल। अब आप समझ गए, ठीक है। तो अब कब ऐसा सिचुएशन होता है, जब बॉडी से नॉर्मल व्हाइट कलर का डिस्चार्ज या फिर सफेद पानी आता है, पहला सेक्सुअल एक्साइटमेंट स्टेज, पहला क्या, सेक्सुअल एक्साइटमेंट स्टेज, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी SES, मतलब समझिए सेक्सुअल एक्साइटमेंट स्टेज, जब सेक्स करने से पहले वाली जो फीलिंग होती है, मतलब अभी आप सेक्स नहीं किए लेकिन सेक्स करने वाले हैं, तो उस टाइम की जो फीलिंग होती है, उस टाइम में व्हाइट कलर का महिला के योनि से या फिर वजाइना से निकलने लगता है, तो हम उसी को बोलते हैं सेक्सुअल एक्साइटमेंट स्टेज। दूसरा क्या है, प्रेगनेंसी के टाइम में, प्रेगनेंसी के दूसरे महीने, तीसरे महीने, दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते, ये सभी क्या है, शुरुआती दौर है, तो उस टाइम में महिला के योनि से व्हाइट कलर का डिस्चार्ज निकल सकता है, ठीक है। तो दूसरा हमने क्या देखा, प्रेगनेंसी के टाइम में, मतलब ये बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। तीसरा हम क्या देख लेते हैं, अगर तीसरा हम क्या देखते हैं, अगर एक लड़की बड़ी हो रही होती है, मतलब अपनी युवावस्था में जब वो एंटर कर रही होती है तब ऐसा होता है, तो प्यूबर्टी के टाइम में, प्यूबर्टी के टाइम में, ठीक है, तो प्यूबर्टी के टाइम में भी जब निकलता है तो बिल्कुल नॉर्मल है। मैंने क्या बोला, बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन एक कंडीशन ये है कि अगर आपको ये सभी चीज़ें हो रही है, अगर आप इस स्टेज में हो, तो जब व्हाइट कलर का डिस्चार्ज निकलता है तो उसमें से स्मेल नहीं आना चाहिए, तब वो नॉर्मल होता है, लेकिन जब भी वो व्हाइट हल्का सा येलो या फिर वो स्मेली हो जाता है तो वो एबनॉर्मल हो जाती है, और चांसेस होते हैं कि वहाँ पे आपको बैक्टीरियल या फिर यीस्ट की इन्फेक्शन हो, जिसको हमने क्या पढ़ा था, कैंडिडिएसिस, क्या पढ़ा था, कैंडिडिएसिस। ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है, स्पेशली आपको वर्ड याद रखने हैं, मेडिकल टर्म्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो देखिए इन सभी चीज़ों की वजह से हो सकती है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, उसके बाद जब भी आप उपवास करते हैं तो उस टाइम भी आ सकता है, इसीलिए बोला गया कि जब आप उपवास करें तो वो अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा ना करें, है ना, ज्यादा ना करें, थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दें। चलिए, तो प्यूबर्टी के टाइम में हो गया। इसके अलावा हम क्या देख लेते हैं, अब कब कब आती है, इसके अलावा पीरियड्स के टाइम में, पीरियड्स के टाइम में क्या होता है कि हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस हो जाती है बॉडी में, मतलब समझिए कि किसी को 5 दिन, किसी को 3 दिन आते हैं पीरियड्स, किसी को 7 दिन आते हैं, तो ये सब क्या है, ये सब है कि अलग अलग महिला के बॉडी में जिस तरह के उनके फंक्शन होते हैं, जिस तरह का उनका खान पान होता है, जिस तरह के उनके हैबिट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें होती है, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें होती है, तो इसीलिए बोला गया कि आप अपने हेल्थ पे स्पेशली लड़कियां बहुत अच्छे से ध्यान दें, आपको अपना हेल्थ भी मेंटेन करना है, आपको अपना स्टडी भी मेंटेन करके चलना है, तो उस टाइम में, तो हमने यहां पे लिख दे, चलिए पीरियड्स, तो
तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो उस टाइम में ये सभी चीज़ें आपको देखी जाती है और सफ़ेद पानी आता है और उसमें से कोई भी स्मेल नहीं आता है। ये सभी चीज़ें क्या है, नॉर्मल है। अब पैथोलॉजिकल में हम क्या देखते हैं, पैथोलॉजिकल का मतलब क्या है, पैथोलॉजिकल कहाँ से आया है, तो ये आया है पैथोजेन से। कहाँ से आया, पैथोजेन से। अब पैथोजेन हम किसको बोलते हैं, पैथोजेन हम बोलते हैं बैक्टीरिया को, वायरस को, फंगस को बोल सकते हैं, या फिर समझ के पैरासाइट्स। अब हम क्या बोलते हैं, इन सभी चीजों को, जो बैक्टीरिया है, जो फंगस है, जो वायरस है, ये सब क्या है, ये सब है जो हम अपनी आंख से नहीं देख सकते हैं। नॉर्मली हम क्या पढ़ते थे 10th में कि हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इन सभी चीजों को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये हम समझ गए। तो पैथोलॉजिकल का मतलब है पैथोजन अगर आपके बॉडी पे अटैक कर दिया। अब बॉडी पे कहां पे, बॉडी पे बहुत सारा चीज है, आंख है, मुंह है, कान है, कहां पे अटैक करेगा, योनि पे अटैक कर दिया, वजाइना पे अटैक कर दिया। ठीक है, जब वो वजाइना पे अटैक कर दिया, अब अटैक कब करता है, जब आप बहुत ज्यादा फास्टिंग करते हो, जब आप बहुत ज्यादा मसाले वाली चीजों को खाते हो, जब आप अपने खान पान पे ध्यान नहीं देते हो और बहुत सारे ऑयली चीजों को आप खाते हो, बहुत भुने हुए चीजों को खाते हो, बहुत तीखा खाते हो, तब ये सभी चीजें अटैक कर देती है। जब वहां का स्किन बहुत ज्यादा गीला रहता है, जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट जो स्टेज है वो बार बार आता है आपके जीवन में, उस टाइम में हो सकता है, बार बार मतलब दिन में बहुत ज्यादा बार। ठीक है, उस टाइम में जो बैक्टीरिया है, जो यीस्ट है, वो वहाँ के स्किन को क्या करेंगे, वहाँ के स्किन को गीला दे करके डायरेक्टली अटैक कर देंगे, क्योंकि उनको मौका मिल गया तो वो अटैक कर देंगे। जैसे ही उन्होंने अटैक किया तो यहाँ पे क्या हो जाती है, तो पहला हम ये लिख सकते हैं कि पहला क्या, बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसमें आपको हो सकता है। पैथोलॉजिकल में क्या हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा यीस्ट का इन्फेक्शन। एक बैक्टीरिया आपको इन्फेक्शन फैला रही है, दूसरा आपको क्या फैला रही है, बैक्टीरिया में क्या हो सकता है, बैक्टीरिया में आपका हो सकता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। वैसे बैक्टीरिया जो सेक्स करने के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, और इसमें दो बैक्टीरिया मेनली बहुत ज्यादा आजकल हो रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं गोनोरिया और क्लेमाइडिया। क्या बोलते हैं, गोनोरिया। ठीक है, गोनोरिया और क्ले, एक मिनट, क्ले CLCHLA क्लेमाइडिया, कभी कभी मैं भी भूल जाती हूँ स्पेलिंग को। चलिए, गोनोरिया और क्लाइमेडिया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में ये दोनों बैक्टीरिया आते हैं, और ये दोनों बैक्टीरिया पे मैंने एक डिटेल लेक्चर लिया हुआ है, 2-3 दिन पहले ही मैंने लिया था, तो आप जा करके उस लेक्चर को देखें और फिर आप इसके बारे में अच्छे से डिटेल से स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप बना सकते हैं, और इसके नोट्स टेलीग्राम पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप जा करके वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं और फिर से आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसमें हमने बोला गोनोरिया और क्लेमाइडिया, ये क्या है, यह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, मतलब सेक्स करने की वजह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैलते हैं। जो हमें क्या करना है, तो हमें सेफली सेक्स करनी है, कैसे, कॉन्डम यूज करना है, जब यूज करना तो अच्छे कंपनी का यूज करना, ताकि ऐसा ना कि हो कि उस वो पूरा लीकेज हो उसमें से और तब आप बोले कि आपने तो कॉन्डम यूज किया था लेकिन फिर भी आपको इन्फेक्शन हो गया। बिल्कुल प्रॉपर यूज करना है, साथ ही आपको हाइजीन मेंटेन करके चलना है। अगर आपका वो एरिया बहुत ज्यादा गीला रहता है तो आपको बहुत ज्यादा उसको क्या करना है, क्लीन करके रखना है, हाइजीन को मेंटेन करके रखना है, साथ ही आपके जो अंडर गार्मेंट्स होते हैं उसको भी प्रॉपरली वॉश करनी है। ठीक है, तो पहला क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा है यीस्ट इन्फेक्शन की वजह से, यीस्ट इन्फेक्शन, यीस्ट इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हो जाता है। उसके बाद तीसरा क्या है, तीसरा अगर हम देखें तो डायबिटीज की वजह से भी होने लगता है, तो डायबिटीज भी यहां हम लिख देते हैं। अगर यीस्ट इन्फेक्शन की वजह से उस वाले पार्ट में कोई संक्रमण हुआ है तो हम उसको क्या बोलते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कैंडिडिएसिस। क्या बोलते हैं, कैंडिडिएसिस, जिसको मैंने आपको बताया था, तो डायबिटीज की वजह से भी। उसके बाद बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेने की वजह से भी, मानिए कि किसी महिला को बॉडी में कोई और प्रॉब्लम है, ठीक है, और वो बहुत सारे मेडिसिन को ले रही, कोई और ही डिजीज है जिसमें हमेशा हम देखते हैं कि डॉक्टर्स हर दवाई के बीच में एंटीबायोटिक्स आपको लिख ही देते हैं, और कभी कभार जब आपकी बीमारी बहुत ज़्यादा सीवियर होती है तो बहुत हार्ड वाला एंटीबायोटिक्स लिखते हैं, जिसकी वजह से
कोरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज्यादा ही सफेद पानी आने लगता है, तो उस महिला में ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, पैथोलॉजिकल, मतलब ये बॉडी की नॉर्मल फंक्शन नहीं है, बाहर से किसी कारणवश आपके बॉडी में ये प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, तो आपको पानी भी बहुत ज्यादा पीना है, मसाला वाला सब्जी भी आपको नहीं खाना है, तो ये सभी चीजों का ध्यान रखना है। तो ये सभी चीजों की वजह से हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो प्रकार है वो दो है। मैं फिर से आपको रिकॉल कर दूं, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, कॉजेस मतलब कारण, अब हमने इसमें सिम्टम मतलब लक्षण को भी पढ़ लिया है, अब हमने इसके प्रकार को भी पढ़ लिया। प्रकार में हमने दो चीजों को पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा फिजियोलॉजिकल और दूसरा हमने पढ़ा है पैथोलॉजिकल। तो इन दोनों को हमने अच्छे से क्लियर कर लिया है। फिजियोलॉजिकल मतलब बॉडी आपकी इस व्हाइट वाले पानी को बना रही है, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल है, कोई भी स्मेल नहीं है और इसका कलर स्पेशली व्हाइट है। ठीक है, लेकिन अगर आपको इन्फेक्शन है, मतलब पैथोलॉजिकल है, मतलब कोई भी बैक्टीरिया या फिर कोई भी ईस्ट आकर के इन्फेक्शन फैलाती है योनि में, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका जो पानी निकलता है वो बहुत ज़्यादा निकलता है, बहुत चिपचिपा होता है, साथ ही उसका कलर हल्का सा येल्लो होता है और उसमें से बदबू आती है। ठीक है, जब इन्फेक्शन होती है तो उसमें से बदबू आने लगती है उस व्हाइट कलर के पानी में, जो कि हल्का सा अब येल्लो हो गया है, हल्का सा ज़्यादा पीला हो गया है, या फिर हल्का सा ब्लू भी आपको दिख सकता है, हल्का नीला भी आपको दिख सकता है। तो हमने इसको प्रकार को पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम में, मैंने आपको बताया था कि प्रेगनेंसी के शुरुआती हफ्ते में महिला में व्हाइट कलर का सफेद पानी आने लगता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, प्रेगनेंसी के टाइम में आपको जो अंडर गारमेंट्स है वो ऐसे पहने जो कि कॉटन के हो, मतलब लिनन आपको नहीं पहनना है, ऐसे नहीं पहनना कि वो बहुत ज़्यादा ही पूरा टाइट हो या फिर बहुत ज़्यादा ही उसमें आपको गर्मी लगे, बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही कॉटन आपको पहननी है। दूसरा, आपको डचेस इस्तेमाल नहीं करने हैं, जिसको हम बोलते हैं DOUCHES। अब डचेस क्या होते हैं, बहुत सारी जो महिलाएँ होती हैं वो एक लिक्विड जो मार्केट में आता है ना, वो लिक्विड का यूज़ करती है वजाइना को साफ करने के लिए, योनि को साफ करने के लिए, तो उस लिक्विड की वजह से भी वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है, वहां की स्किन इरिटेट हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे चीजों में केमिकल्स बहुत ज्यादा है। तो ये जो डचेस होते हैं, डचेस मतलब जैसे कि हम बोलते हैं कि माउथ वॉश करने के लिए, माउथ आता है वॉश करने के लिए एक पानी टाइप का, यहां पर लग गया शायद, तो जो डचेस होते हैं वो क्या होता है, वो लिक्विड टाइप का होता है। ठीक है, और उसको यूज़ किया जाता है योनि को साफ करने के लिए, तो हमें उसका इस्तेमाल नहीं करना है, स्पेशली प्रेगनेंसी के टाइम में, क्योंकि आपका बॉडी इस टाइम में ऑलरेडी हार्मोनल चेंजेस से गुजर रहा है, तो आपको कोई भी बाहर की केमिकल चीज़ और बॉडी पर लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। स्पेशली लड़कियों को मैं बोल रही हूँ कि आपको अपना भी ध्यान रखना है, अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है और अपने फेस का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी जो पर्सनालिटी है वो रिफ्लेक्ट करती है। अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी होगी, इसका मतलब होता है कि आप बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हो दूसरे को। ठीक है, तो ये बिल्कुल अच्छे से करना है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको बहुत अपने आप को मेंटेन करके रखना चाहिए, और ये अच्छी बात है। उसके बाद क्या है, डचेस हमने देख लिया, अब डचेस क्या आता है, वाइप्स, वजाइनल वाइप्स, उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे कि समझिए कि बच्चों का जैसे डायपर आते हैं वैसे ही वाइप्स आते हैं उस जगह को साफ करने के लिए, तो उसमें भी केमिकल्स होते हैं, उसको भी आपको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, दो चीज़ों को प्रेगनेंसी के टाइम में यूज़ नहीं करना है। जब आपको पैंट्स यूज़ करना है तो बिल्कुल कॉटन होना चाहिए, और अगर आपको सफ़ेद पानी की समस्या है तो आप उस एरिया को, योनि को गीला ना छोड़े, जब भी आपको पानी आते तो फिर आप तुरंत से चेंज कर ले और उस एरिया को साफ कर दे अच्छे से, ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो, और वो जगह ज़्यादा गीला नहीं रहना चाहिए। साथ ही आपको प्रेगनेंसी के टाइम में शुरू से ही एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए और अपने हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए और डॉक्टर से हमेशा कॉन्टेक्ट में रहना चाहिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है आप पूछ सकते हैं, आपको वो बिल्कुल अच्छी सलाह ही देंगे। तो अब हमें पढ़ना है डायग्नोसिस के बारे में। डायग्नोसिस का मतलब क्या है, मतलब ये कि महिला में या फिर लड़की में क्या हो रहा है, सफ़ेद पानी की समस्या तो है, लेकिन समस्या होने के बाद भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि अच्छा आपको तो इन्फेक्शन है और कोई भी मेडिसिन उठा के दे दे, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, रूल है नहीं कर सकते, किसी को थोड़ी ना जान से मार देंगे। तो देखिए, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहला देखिए, पहला हमें जो भी सफ़ेद पानी आता है कहाँ से आता है, वेजाइना से, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, वेजाइनल, और वो जो पानी आता है उसको हम बोलते हैं फ्लूइड। ठीक है, तो वेजाइना से आ रहा है, जहां से सेक्स किया जाता है उस स्थान पे सेक्स किया जाता है। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी आपको हंसने की या फिर मजाक बनाने की कोई
बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती है और बहुत सारी महिलाओं में है, ठीक है। तो ऐसा मैं बिल्कुल भी कोई भी शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रही जिससे आपको थोड़ी भी हेजिटेशन हो इस टॉपिक को पढ़ने में। और अगर आप मेडिकल लाइन से हैं तो आपको ये सभी चीज़ें जाननी है, पढ़नी है और साथ में अपने पेशेंट को भी बताना होता है, ठीक है। तो वहाँ से क्या निकला, वजाइना से निकला पदार्थ जिसको हमने बोला वजाइनल फ्लूइड। अब डायग्नोसिस मतलब टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो लैब में हम टेस्ट कर लेंगे। और अगर उस व्यक्ति के सॉरी अगर उस महिला के अगर उस महिला के कमर के आसपास बहुत दर्द होता है, और एक स्पेशल बात यह है कि कमर के पास दर्द होने के साथ साथ महिला के पैरों में भी दर्द वो ट्रांसफर हो जाता है, मतलब उसके पैर में भी दर्द होने की समस्या हमेशा रहती है, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि काफ्स में दर्द हो रहा है। अब काफ्स क्या होता है, देखिए ये आपका होता है घुटना, ये हो गया घुटना, ये हो गया पैर, और यहाँ पे उंगलियाँ होती है। अब थोड़ी सी गंदी उंगली बन गई है, कोई बात नहीं है। अब देखिए ये आपका हुआ घुटना, और ये आगे का पोर्शन हो गया, और ये आपका पैर हो गया। तो इस आगे पोर्शन से जस्ट पीछे वाला जो मांसपेशी होता है ना उसमें दर्द होने लगता है, उसी को हम बोलते हैं CALF, काफ हम बोलते हैं। अगर एक पैर में दर्द है, दोनों पैर में दर्द है, तो CALVES काफ्स हम बोलने लगते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों को समझना है कि किस तरह से किस एरिया को किस अंग को क्या बोलते हैं। तो धीरे धीरे करके आपको समझ में आने लगेगा, शुरुआत में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा लेकिन बाद में आपको समझ में आने लगेगा। तो पहला हमने क्या किया टेस्ट, पहला हमने किया कि वजाइनल फ्लूइड का टेस्ट किया, मतलब सफ़ेद पानी की जाँच की। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, एक्सरे कर सकते हैं। एक्सरे कहाँ की करेंगे, कमर के आसपास की, क्योंकि कमर के आसपास बहुत तेज दर्द होने लगता है, साथ ही काफ्स में दर्द होने लगता है। तो आप समझ रहे हैं काफ्स हम किसको बोलते हैं, घुटना के नीचे जस्ट जो पीछे होता है हम उसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए बहुत सारी महिलाएं जो कि शादीशुदा है उनमें ये प्रॉब्लम होती है कि उनको इन्फेक्शन हो जाए या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाए। लेकिन अब क्या है, अब ये है कि बहुत सारी अनमैरिड जो कि शादी नहीं हुई है जिनकी, उनमें भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, उनमें भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाती है। क्योंकि जो महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, महिलाओं के क्या होते हैं, पति होते हैं और लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स होते हैं। तो जब वो उनके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करती है, जब वो आगे बढ़ती है, जब वो शारीरिक संबंध को बनाती है, फिजिकल रिलेशनशिप में जब वो जाती हैं, तो उस टाइम में हो सकता है कि उसके बॉयफ्रेंड से वो जो बैक्टीरिया है, वो जो यीस्ट इन्फेक्शन है, वो ट्रांसफ़र हो जाए उसके वजाइना में, ठीक है। तो उस टाइम में भी होते हैं। और जनरली अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, ठीक है, कॉन्ट्रा क्या लेती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये क्या होता है, ऐसी दवाइयां जो कि आप मुंह से खाते हैं, और ये दवाइयों की वजह से ये दवाइयां सभी क्या करती हैं, ये सभी दवाइयां बोलती हैं कि आप फिर माँ नहीं बन सकती, चाहे आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया हो तब भी, मतलब विदाउट कॉन्डम भी आपने सेक्स कर लिया तो आप माँ नहीं बन पाएंगी क्योंकि आप ये वाली दवाई खा रही है। कौन सी दवाई, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ये जो दवाई है वो मुँह से खाई जाती है, जो कि टैबलेट के रूप में आती है। तो इन दवाइयों की वजह से सफ़ेद पानी का प्रॉब्लम आ सकता है। तो मैं पहले ही बोल रही हूँ कि कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो, अगर महिलाएं खाती हैं तो समझ में आता है, थोड़ा बहुत वो खा सकती हैं, लेकिन नहीं खाना चाहिए क्योंकि इनके बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं। जो लड़कियां हैं स्पेशली वो ना खाएं, क्योंकि इससे आपके बॉडी पर असर पड़ता है, और जब बॉडी पर असर पड़ता है इसका मतलब है कि आपके स्टडी पर असर पड़ता है। आप समझ जाइए कि आपका फिर करियर खराब हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर आप डिस्टर्ब होंगी, आपका बॉडी अगर डिस्टर्ब होगा तो आपका माइंड डिस्टर्ब होगा, आपका माइंड डिस्टर्ब होगा तो आपका पढ़ाई डिस्टर्ब होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ाई, उसके बाद और सभी चीज़ें, ठीक है, उसके बाद और सभी चीज़ें। तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स किसी भी लड़की को नहीं खाना चाहिए, मैं हमेशा बोलती हूँ और आज भी बोल रही हूँ कि ये सभी दवाइयों के बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं। जो मेडिसिन होती है, जो डिजीज़ की होती है, उनके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो कोशिश करें कि वो बीमारी ही ना हो, वो बीमारी से आप बचाव करते रहें जीवन भर, ठीक है। अगर हो जाता है तो खाना पड़ता है, मैं मानती हूँ, लेकिन अगर नहीं है तो बचाव करें, ठीक है। उसके अलावा जो कॉपर टी वगैरह होते हैं जो महिलाएं यूज़ करती हैं, उनसे भी हो जाता है, तो उनसे भी वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है। और वजाइना में होने के साथ साथ, मतलब समझिए बाहर से अगर हम वजाइना को देखते हैं तो बाहर से एक होल है छोटा सा, उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में लेक्चर लिया है वजाइना का, यूट्रस का, सर्विक्स का, तो उतना डिटेल में मैं इस लेक्चर में नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दूं, बता दूं। बाहर से अगर हम वजाइना को देखें तो ये छोटा सा एकदम होल होता है, ठीक है, उसके बाद अंदर में थोड़ा सा स्पेस होता है,
उसके बाद ऊपर से यूट्रस शुरू हो जाता है। तो यूट्रस के सबसे निचले वाले भाग को जो कि वजाइना से कनेक्ट होता है, टच में रहता है, इसी को हम छोटा से भाग को हम क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्विक्स। और वजाइना में जब इन्फेक्शन होता है तो धीरे धीरे इस यूट्रस के सबसे निचले भाग जिसको हमने क्या बोला, सर्विक्स बोला, उसमें भी इन्फेक्शन हो जाता है। अब आप समझिए कि इन्फेक्शन आपके वजाइना में था, ट्रांसफर होकर के यूट्रस के सबसे निचले भाग जहां पे हमने क्या बोला उसको, सर्विक्स बोला, उसमें गया, उसके बाद वो यूट्रस में भी जा सकता है और हो सकता है कि आपके पूरे यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाए, फिर आपके फैलोपियन ट्यूब में, यहां पे होता है फैलोपियन ट्यूब में भी इन्फेक्शन होने लगे। तो आप समझिए कि एक गलती की वजह से क्या हो रहा है, पूरे यूट्रस में इन्फेक्शन फैल रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको वो गलती करना ही नहीं है वो गलती जिससे आपका बॉडी डिस्टर्ब हो, जिससे आपकी फ्यूचर डिस्टर्ब हो, क्योंकि बॉडी डिस्टर्ब होगा तो पढ़ाई डिस्टर्ब होगा, ठीक है। तो ये सभी चीजें नहीं करनी है। तो इस तरह हम दो टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं ट्रीटमेंट। अब सबसे पहले मैं ये बोलूंगी कि इसमें अगर किसी महिला को या फिर अगर किसी लड़की को ये हो जाता है, ये इन्फेक्शन अगर है, ल्यूकोरिया की अगर प्रॉब्लम है और उसके साथ साथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि सेक्स करने की वजह से आया है, मतलब गोनोरिया और क्लेमाइडिया, ठीक है, बहुत खतरनाक है ये दोनों, लेकिन ठीक हो जाता है किससे, ठीक हो जाता है ये एंटीबायोटिक्स के देने से। तो हम एंटीबायोटिक्स तब दे सकते हैं अगर बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन है। तो अब ध्यान रखना है कि इन्फेक्शन कब होता है, जब जो सफ़ेद पानी है वो हल्का सा पीला हो जाता है और उसमें से बदबू आने लगती है, तब। बदबू नहीं आई तो नॉर्मल है, लेकिन अगर ज़्यादा सफ़ेद पानी आता है तो आप मसालेदार खाने पर कंट्रोल करें, खुद पर कंट्रोल करें, ज़्यादा आपका मुँह अगर वो खाने की मांग कर रहा है, डिमांड कर रहा है, तो अपने मुँह को थोड़ा सा आप संभाल लें ताकि वो सभी चीज़ें आप ना खाएं, ठीक है। पानी पिए अच्छे से, बहुत सारे लोग आजकल पानी नहीं पीते हैं, गर्मी बहुत है लेकिन पानी बिल्कुल भी नहीं पीते हैं, तो पानी पीना शुरू करें। सुबह सुबह आप हल्का सा गुनगुना पानी पी सकते हैं जो कि आपके पाचन की क्रिया में आपको बहुत सहायता कर सकता है, ठीक है, जिससे आपकी पाचन सही रह सकती है। कब्ज की समस्या है तो आप दवाई लें, और कब्ज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे फेस पे पिंपल्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, पाचन की क्रिया पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। तो अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की वजह से हुआ तो हम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, साथ ही हमें क्या करना है, साथ ही हम ज़्यादा दवाई नहीं खाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, लेडीज फिंगर, चलिए अब मैं आपको मुंह से ही बता देती हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है, चलिए अब हमें क्या करना है, अब हमें लेडीज फिंगर खानी है, मतलब क्या, भिंडी खाना है। भिंडी से क्या होता है, सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सॉल्व होती है। दही खाना है, दही से भी सॉल्व होती है। कोरिएंडर का सीड खाना, मतलब जो धनिया होता है उसके जो बीज होते हैं उसको फुला करके फिर उसका जो पानी होता है वो छान करके पीना है, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, गुलाब की पत्ती का पानी भी आप पी सकते हैं। इसके अलावा आपने करना है कि बहुत ज़्यादा पानी पीना है, वाटर आपको पीना है, साथ ही अवॉइड मसाला वाला, ठीक है, अवॉइड करना है, जो भी मोमोज है, जो भी चाउमीन है, वो सभी चीज़ें नहीं खानी है, बिल्कुल भी नहीं खानी है। तो इन सब की वजह से केमिकल वाली चीज़ आपके योनि पे इस्तेमाल नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब भी आपको पीरियड्स आते हैं तो बहुत ज़्यादा साबुन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो जो अंग होता है, जो योनि होती है, उस टाइम में लगभग खुली होती है। जब वो खुली होती है बहुत ज़्यादा तो इन्फेक्शन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उस टाइम में आप कोशिश करें कि आप बहुत ज़्यादा साबुन का इस्तेमाल ना करें, बहुत देर तक आप ना नहाएं। जब आप बहुत देर तक नहाते हैं तो इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पीरियड्स के टाइम में बहुत देर तक आपको नहीं नहाना है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही जो भी आप पैड्स यूज़ करती हैं उसको बहुत लंबे टाइम तक नहीं रखना है, मतलब क्या, पैड्स आपने लिए हैं अभी और उसको फिर 3-4 घंटे के बाद चेंज कर देना है, ठीक है। ये सभी चीज़ें करनी है जिससे आप इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बोल देती हूँ, हमेशा बोलती हूँ, नोट्स टेलीग्राम पे रहता है, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं, लिख सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम हो तो आप कॉमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।